उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने की दिशा में प्रयासरत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नए युग की शुरुआत करने वाला कदम बताया। शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने फ्लिपकार्ट के उन्नाव व वाराणसी में वेयरहाउस का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर ODOP विक्रेताओं के अनुभव साझा करने के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने डिजाइन, तकनीक, मार्केट समेत विभिन्न पहलुओं पर कार्य करके हमने पैकेजिंग और एक्सपोर्ट पर फोकस किया, लेकिन इसको और गति देने का कार्य तब हुआ जब फ्लिपकार्ट ग्रुप हमारे साथ जुड़ा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में जब उसने सेवाएं देनी प्रारंभ की तो ODOP योजना न केवल प्रदेश बल्कि देश व दुनिया में प्रसिद्धि पाती दिखाई दी। स्वाभाविक रूप से ई कॉमर्स के माध्यम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। एक नए युग का सूत्रपात हुआ है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हर नागरिक को शहर में हो या गांव में अपने प्रोडक्ट को वह दुनिया के किसी भी मार्केट तक पहुंचाने में समर्थ हो सकता है। तो पहले कठिन असंभव भी था, लेकिन आज उस असंभव को कठिनाई में और कठिनाई को फिर संभव में बनाते हुए आज तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे सामने उपलब्ध हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर फ्लिपकार्ट ग्रुप के द्वारा वो अत्याधुनिक वेयरहाउस एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ कमिश्नरी से जुड़े हुए जनपद में उन्नाव में और दूसरा प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विख्यात वाराणसी में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है और हर नागरिक को, फिर चाहे वह शहर में हो या फिर गांव में, उसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया के किसी भी मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है जो पहले कठिन था और असंभव सा लगता था। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में वेयरहाउसिंग नीति का लाभ लेकर कंपनियों को इस क्षेत्र में असीम संभावनाओं पर कार्य करने का भी आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक निवेश के अभियान को एक नई गति देते हुए फ्लिपकार्ट कंपनी द्वारा उन्नाव व वाराणसी में अत्याधुनिक वेयरहाउसेस के लोकार्पण पर सीएम योगी ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि प्रदेश में MSME का एक बेस आज से नहीं बल्कि विगत सैकड़ों वर्षों से है, लेकिन समय के अनुरूप तकनीक, डिजाइन, पैकेजिंग समेत विभिन्न पहलुओं पर बदलते वक्त की मांग के अनुसार कार्रवाई न करने और ठोस कार्य योजना न बनाए जाने के कारण पिछले 3-4 दशकों से दम तोड़ रहा था। इसका कोई प्रोत्साहन नहीं था। 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी तब प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो हमने प्रदेश में अपने MSME सेक्टर की मैपिंग करना शुरू किया। फिर इसके उत्पादों को हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि मैंने उस समय विभाग के अधिकारियों से कहा था कि हमें अपने प्रदेश के परंपरागत उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म देना होगा जो आम जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने ODOP योजना को आगे बढ़ाया था। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के किसी भी मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाने का कार्य पहले कठिन लगता था, मगर आज तकनीक ने इस असंभव से दिखने वाले कार्य को न केवल संभव बनाया बल्कि इसे नई दिशा भी दी। इसी दिशा में आज लखनऊ कमिश्नरी से जुड़े हुए जनपद उन्नाव में व दूसरा प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विख्यात वाराणसी में स्थापित किया गया है। हम देख सकते हैं कि कितने जॉब इससे क्रिएट हो सकते हैं, साथ ही वेयरहाउस होने के कारण आप अच्छी सर्विसेज दे पाते हैं जो जिससे प्रत्येक ग्राहक के साथ न्याय किया जा सकता है। इससे कालाबाजारी भी थमेगी क्योंकि इससे मोनोपोली टूटती है, साथ ही किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी जो कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के साथ ही विभिन्न अवसरों के द्वार खोल देता है। यह प्लेटफॉर्म कितना प्रभावी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस माध्यम से हम एक जगह से पूरे शहर, पूरे प्रदेश और देश व दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स की पहुंच बना सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की नीतियों का और MOU के माध्यम से प्रदेश में फ्लिपकार्ट बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में मातृशक्ति को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने 3 मेगा ग्रुप्स के साथ करार किए थे और ये प्रयास अब रंग दिखाने लगे हैं।
लखनऊ में राधिका ने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन के माध्यम से चिकन कुर्ता व चिकन साड़ी को कारोबार को बढ़ाया ही साथ ही प्रत्येक महिला वर्करों की आमदनी बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त किया जो कि अभिनंदनीय कार्य है। इसी तरह शिवानी वर्मा ने हैंडमेड ज्वेलरी व होम डेकोर सेक्टर में कार्य करते हुए मार्केट उपलब्ध कराने का कार्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने उपलब्ध कराया है। इसमें फ्लिपकार्ट का बड़ा योगदान है और इसके लिए फ्लिपकार्ट बधाई का पात्र है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक MSME यूनिट वाला राज्य भी है। 90 से लेकर 96 लाख MSME यूनिट संचालित हैं। उत्तर प्रदेश इस लिहाज से भी पहला राज्य है जिसने प्रत्येक MSME यूनिट से जुड़े उद्यमी को लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है। CM योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से हम 10 लाख ऐसे नए उद्यम की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट अब एक विश्वास के रूप में उनके प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने का कार्य करेगा। ये दोनों वेयरहाउस का लोकार्पण इस दिशा में एक प्रमाणित आश्वासन है। यह नए रोजगार के सृजन के साथ उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के मन में नया विश्वास उत्पन्न करने सहायक सिद्ध होगा। कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग तथा खादी व ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान, औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी, प्रदेश के मुख्य सचिव तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह, MSME विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार, इन्वेस्ट UP के CEO अभिषेक प्रकाश तथा फ्लिपकार्ट ग्रुप के चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार व अन्य मौजूद रहे। ऑनलाइन माध्यमों से ODOP प्रोडक्ट्स को बेचने वाले विक्रेताओं ने भी कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपने फीडबैक साझा किए।